अब यहाँ पे देखो हमने कितना बढ़िया पेच काटा, नीचे से हमारी पतंग ऊपर से अपोनेंट, ये पूरी हाथ की तरफ भर ली थी मैंने और पूरी यहाँ पे देखो चढ़ चढ़ा के सद्दी हमने एंड में काट दी। बहुत तेज़ी से पतंग बचा रहा था वो, लेकिन एंड में हमने देखो ये वाला पेच काट दिया, ये हमारी पतंग ने। अब पतंग कट के आ गई पीछे से, देखो ये कट के आई, आ जा, अरे यार पेड़ में घुस गई, ये देखो पतंग पेड़ में घुस चुकी है सामने, निकालते से आ गई पतंग, सामने पेड़ में फंसी थी लेकिन हमने निकाल ली। पीछे से काइट कटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ये देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइटलर ऑफिशियल। आज की वीडियो देखो हम ये वाली पतंग उड़ाने वाले हैं, गेंदार, जिसे आप कहेंगे पुच्छल गेंदार। और उससे पहले मैं एक बार अपने पीछे का व्यू दिखा दूं, क्योंकि आज पीछे काफ़ी ज़्यादा काइट फाइटिंग हो रही है। यहाँ पे एक पट्टेदार पतंग उड़ रही है और सामने देखो ब्लैक वाली पतंग रही, ये मुड्डेदार, इन लोग का पेज लड़ रहा है, ये शायद क्लब काइट फाइटिंग हो रही है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। हमारी पतंग ये रही गेंदार वाली, तो पतंग हो चुकी है हमारी पार, मेरे सामने भी काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ रही, तो काफ़ी पतंगें काटेंगे, मज़ा आएगा। और ये बंदा पतंग पार कर रहा है तो हम वीडियो बनाएंगे। तो पतंग आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमने पार कर ली। और देखो यहाँ पे ये बंदा ना पटेदार वाला जो पीछे तोड़ रहा था मैंने आपको दिखाया, ये अभी से हमसे लड़ाने आ गया। तो अभी हमें लड़ाना है क्योंकि मांझा ना हमारे हाथ में ही चल रहा है, और अभी लड़ाएंगे तो हाथ हथ कट जाएंगे। सद्दी बांधते उसके बाद आपको लड़ा के दिखाते, और थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, आगे भी काफ़ी पतंगें उड़ लेंगे। तो लड़ाते हैं, पहला पेज आपको दिखाते हैं। अब ये रहा हमारा पहला पेज, रेड सर्कल के अंदर हमारी पतंग नीचे से लड़ा रहे हैं हम, ऊपर से हमारा अपोनेंट रहा ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा राइट हैंड साइड लड़ा रहा है। ये हम काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई कर ली है, बहुत तेज़ी से हम हाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी अपनी पतंग बचा रहा है, लगता सद्दी से ही काट देंगे वाली पतंग। और अंदर चढ़ाई करी, वो भी काफ़ी तेज़ी से पतंग बचा रहा है, हमने खींची अंदर की और वो काटी। भाई मज़ा आ गया इस वाले पेज को देख के, अपोनेंट पूरी कोशिश कर रहा था कि वो पतंग बचा ले, लेकिन एंड में हमने पूरा उसके हाथ की तरफ चढ़ के ये वाला पेज काट दिया। काफ़ी दिनों के बाद आपको ऐसा पेज देखने को मिला होगा, क्योंकि अक्सर मैं ऐसा पेज नहीं लड़ाता हूँ, लेकिन आज मेरे हाथ में मोबाइल था तो चारों तरफ का हम दिखा सकते थे। ये हमारी पतंग रही भाई, पतंग आई, पतंग आई, देखो पीछे से पतंग कट के आई है, उस बंदे ने काटी है और पतंग ये गिर गई, जो अभी पट्टीदार वाली पतंग उड़ रही थी आप लोगों ने देखा होगा हमारे पीछे से ही। फाइनली ये पतंग कटी और हमारे बराबर में जो पेड़ है ना इसमें अटक गई है, तो अब इसे निकालते हैं, ऊपर ही मैं आपको दिखा दूँ और ही पतंगें लड़ रही हैं। तो डंडा लाते हैं, लंकड़ से तो डंडे से ही निकल जाएगी, इतनी दूर नहीं है पतंगे, तो लाते हैं डंडा, निकाल के दिखाते हैं आपको। अब डंडा नहीं मिला तो हम गन्ना ही ले आए, काफ़ी बड़ा यहाँ पे, ये देखो, और ये कन्ने में डाला, आ गई पतंग एक ही बार में, आज ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं हुआ हमारा, एक ही बार में पतंग आ गई है। बाकी मांझा जा पीछे से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, कौन सा है, देखो ये वाला मांझा प्लास्टिक वाला, इसे हम तोड़ देते हैं, खाली हमें पतंग चाहिए। तो ये रही पतंग, और हमारी पतंग जिससे हमने ये पतंग काट रखी, ये रही, ये पतंग दिखाता हूँ कि कौन से कारीगर की कैसी पतंग है। अब जो ये पतंग है ना, ये भाई पहली बात तो इस हवा के मतलब की पतंग नहीं है, आप देख सकते हैं चील काट पतंग रही, और ये ज़्यादा तेज हवा में लड़ाई जाती है, लेकिन किसी बंदे ने उड़ा दी है। कारीगर का तो नाम इसमें लिखा नहीं है, गुमनाम कारीगर की पतंग है, कमांड ठट्टे देखो काफ़ी जानदार है। तो तेज़ हवा में लड़ाने की मतलब की पतंग है चील काट, जितनी भी होती हैं आपके पास भी हो तो आप तेज़ हवा में इसे लड़ाना। अब यहाँ पे हमारा पेज आ गया रेड सर्कल के अंदर, हमारी पतंग नीचे से लड़ा रहे हैं हम, ऊपर से हमारा अपोनेंट रहा ब्लू सर्कल के अंदर, ये हमने चढ़ाई करी हाथ की तरफ, एक पतंग हमने काट रखी है अभी इस वाली पतंग से, इस वाले पेज में देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे नीचे से हमारी पतंग रही, ये चढ़ाई करी हमने, अपोनेंट हाथ की तरफ बढ़ रहा, ये भी हम हाथ की तरफ बढ़े, उसने गद्दा रखा, हमने सीधी खींची और एंड में उसकी पतंग हाथ की तरफ का रुख दिखा दिया, उसने उसकी पतंग आ गई एक्चुअली, तो हमारा यहाँ पेज कट गया। हो जाता है भाई कई बार, इतना गंदा पेज कटवा देते हो ना आप। यहाँ पे एक और पतंग पार कर ली, काफ़ी रेंज में ये वाला पेज लड़ रहा हमारा, तो रेड सर्कल के अंदर हमारी पतंग ने नीचे से, ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, काफ़ी रेंज में पेज लड़ता हुआ ये वाला। अपोनेंट आया, रखी उसने, ये रखी सीधा गद्दा मारा हमने चक्कर में छोड़ दिया और वो कट गई उसकी पतंग। तो अब यहाँ पे हमने पतंग तो काट दी, लेकिन हमारे साथ एक सीन हो गया, जो हमारी पतंग थी ना ये फट चुकी है, हवा इतनी तेज़ चल रही है आसमान में कि हमारी पतंग ही फट गई। थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको देखेगा हमारी पतंग गोल गोल घूम रही है पूरा। तो इस वाली पतंग से यार एक पेज काट रहा था, आज किस्मत ही बेकार है, एक पतंग काटी और पतंग फट गई, देखो और ज़्यादा फट गई है पतंग, मुझे लगता नहीं कि पतंग उतर पाएगी, फिलहाल कोशिश करते हैं जितनी पतंग आ जाती है उतारने की कोशिश करते हैं इसे।
अब जो हमारी पतंग फट गई थी ना उसे हमने दोबारा से टेपिंग करके चिपका के पार कर दिया। तो यहाँ पे देखो राइट साइड के अंदर मेरी पतंग नीचे लड़ा रहा हूँ मैं, ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू साइड के अंदर, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। पतंग अब काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी। जगह बनाई, बस जगह का इंतजार है मुझे, जहाँ मौका मिलेगा वहीं खेल दूंगा मैं। अपोनेंट जहाँ तक है बाहर की लिख लेगा, अपोनेंट बाहर की ही लिख लेगा, बाहर की लिख लेगी, हमने अंदर की खींची लेकिन एंड में हमारी पतंग बाहर की आई और ये वाला हमने पेच काट दिया। हम अंदर की खींच रहे थे, उस बंदे को पतंग रोकनी चाहिए थी वहाँ पे, उसने पतंग रोकी नहीं और ये वाला पेच हमने काफ़ी आसानी से काट दिया। एक बार आप स्लो मोशन में देखो वाला पेच। तो नीचे से हमारी पतंग रही, ऊपर से हमारा अपोनेंट। अब मुझे पता था कि हमारा जो अपोनेंट है ना वो अपनी डोर टाइट रख के बाहर की खींचेगा और अपोनेंट ने बाहर की खींचनी गलती करी, हमने अंदर की खींची और आराम से ये वाला पेज हमने काट दिया उसका। वो देखो वो कट के जा रही है उसकी पतंग। एक और पेज चलता है यहाँ पे, देखो रेड साइड मेरी पतंग नीचे चढ़ा रहा हूँ, ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है। अब क्या उसकी पतंग काफ़ी ज़्यादा छोटी है, मेरी पतंग काफ़ी ज़्यादा लंबी निकली है, ब्लू साइड के हमारे अपोनेंट की रही। अगर आप नीचे का पेड़ लड़ा रहे हो, हवा तेज चल रही तो छोटे करने बांधो, उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा पतंग लड़ाने में। अपोनेंट पूरी तैयारी है बाहर की निकलने की, फिर हमने सीधी खींची और आराम से वाला पेज काट दिया। हल्की सी पतंग मेरी अंदर की मैंने खींची थी इस बार भी और वो बंदा बाहर की निकलते जा रहा है, हम अंदर की खींच दे रहे हैं, आराम से वाला पेज काट दे रहे हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसा करा करे तो आप आराम से उसका वाला पेज काट दिया करो। एक और पेज चलता है, अब क्या हम ऊपर का पेज लेंगे राइट साइड के अंदर, मेरी पतंग ने ऊपर से डाल रहा हूँ मैं, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू साइड के अंदर। काफ़ी दिनों के बाद ऊपर का पेज मिला एक, देखते हैं इस वाले पेज में क्या होगा। गद्दा बनाया, सीधा गद्दा बना लिया, वो मारा और भाई इतनी जानदार मैंने गद्दा मारा था कि अपोनेंट को भी पता नहीं चला उसकी पतंग कब कट गई, उसके हाथ में सिरा रह गया। काफ़ी जानदारी लगा दी थी मैंने इस वाले पेज में, लेकिन एंड में वाला पेज हमने काट दिया। ये देखो ये हमारी पतंग रही और इधर से एक और पतंग उड़ रही है, इसकी भी काटते हैं दिखाते हैं आपको। ये गया गया बाहर की निकली निकाली, अबे यार ये क्या हो गया, जब आप ज़्यादा जल्दीबाजी कर देते हो ना तो आपकी पतंग ऐसी काटती है। मुझे लग रहा था बच्चा आराम से मैं काट दूंगा, लेकिन कई बार बच्चे ही ना आपकी पतंग काट देते हैं, अच्छे अच्छों की पतंग काट देते हैं बच्चे कभी कभार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। अगर काइट लूटिंग के ऊपर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, पूरी कोशिश करूँगा काइट लूटिंग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और काफ़ी लोग कह रहे हैं ना कि पुरानी छत से पतंगबाजी करो, कमेंट कर दो भाई, चलेंगे पुरानी छत में, वहाँ से काइट फाइटिंग करके दिखाएंगे आपको।